खेसारी लाल बनने की ऑफर हो? नहीं नहीं, हमने हमने जो 6 गाना रिलीज किया है तो अच्छा पैसा मिला है, तो इसके वजह से हमने आपको मेरे गले में गोल्ड दिखाई दे रहा है। हमने 6 गाना रिलीज़ किया है वर्ल्ड वाइड रत्नाकर जी से, जो अच्छा तरह से रिलीज़ हो रहा है, जिसमें राहुल सिंह एक्टर है, हीरोइन में रितु सिंह है, निधि झा है, शुभी शर्मा है, जो 6 गाना रिलीज़ कर रहे हैं, जिसको गाया मैंने है, बबलू भैया, और इस तरह से मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जिस दिन आपके 100 गाने रिलीज़ हो चुके होंगे, तब तक आपको 100 चेन भी दिखाई दे देंगे। कामयाबी मुबारक हो बोलू भैया, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ढेर सारा सोना आपके साथ नजर आया। जी जी जी, और कभी कभी अंधेरे में भी जाया। जरूर जरूर, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं आप, कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहते हैं? कामयाबी का श्रेय मैं हमारे पांडे जी है, ब्रजेश पांडे जी है, जो जहाँ से मैंने मुंबई फिल्म एकेडमी में सीखा सिंगिंग कैसे गाते हैं, तो उनके थ्रू हमें मिला है। फिर हमारे जो कामयाबी के जो हमारे राइट में जो हैं प्रदीप भैया, जो प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके थ्रू मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कॉन्टैक्ट किया, जो म्यूज़िक के लिए गाने बनाने थे तो उन्होंने रिकॉर्ड के लिए बुलाया मुझे। म्यूज़िक डायरेक्टर भी टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर है भोजपुरी के, जैसे कि मधुकर आनंद जिनको आप जानते हैं, मैक्सिमम व्यूज़ मिले हैं गाने को, जैसे कि छलकता हमरो जवान जिसमें पवन सिंह है। दूसरा छोटे बाबा जी है, वो भी टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिनका राते दिया बुता के जिसमें पवन सिंह और अमरापाली जी हैं, जो बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं। ये दोनों टॉप के अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छे गाने बनाते हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे गाने को मिला और उन्होंने मुझसे गवाया, और 6 गाना हाल ही में हमारे रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक चैनल से। इसके पहले भी मेरे 2 गाने रिलीज़ हुए थे, लाली लगावे लो जिसमें आपको पता होगा, और फिट हुई टाका, जो अच्छे 30-40 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं। तो ये सक्सेस को देखने के बाद हमने बाकी के 6 गाने प्लान किए और शूट किए और रिलीज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड से। बाकी सवाल दीप भैया से। जी, कौन सा है? मेरा मन पसंदीदा तो सभी हैं, तीनों हीरोइन हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, गाने तीनों हीरोइन के साथ किसी के लिए मैं कैसे बोल दूंगा कि नहीं ये गाना खराब है। लेकिन प्रदीप भैया को जो चुम्मा दे दे वाले गाना मतलब सबसे अच्छा लगा है। अच्छा, उसमें निधि झा है, निधि झा है उसमें, और अच्छा काम किया सभी ने। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई तो प्रदीप भैया को और बबलू भैया ने पूरे गानों को बैलेंस रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने टीम जो टेक्निकल टीम है जो बहुत बढ़िया रखी है, और वास्तव में मेरे को लग नहीं रहा था मेरे को भी कि ये एल्बम के गाने हैं, तो अच्छा उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है सभी ने मिलके, और अच्छी साउंड टीम है। बाकी प्रदीप भैया नोज वेरी वेल, हमारे बीच में भोजपुरी की बहुत अच्छी अदाकारा, यस यस, और बहुत अच्छी अभिनेत्री, और हमारी हीरोइन फिल्म की संगीता जी हैं। मैं बहुत दिल से बधाई देने के लिए आई हूँ। आप देख रहे हैं कि बाहर इतनी बारिश हो रही है, और इस बारिश में भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, बबलू जी को बधाई देना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा गाया है, काफ़ी मेहनत की है, तो मैं पूरी टीम को बधाई दूंगी, बबलू जी को भी बधाई दूंगी, प्रदीप जी को बधाई दूंगी, और वर्ल्ड वाइड से आप लोगों का म्यूजिक बहुत हिट हुआ है। आज हुआ, 24 आवर्स में 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज हुए हैं, और वो अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, और इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। अरे वाह, मैंने गाया ना मनोज, अरे वाह बबलू भैया, आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं बबलू भैया को, पूरी टीम को, इनके 6 गाने पूरे बहुत बेहतरीन गाने हैं। मेरी तरफ से यानी राजकुमार पांडे की तरफ से ढेर सारी शुभकामना हमारे पूरे अनिल जी के टीम को, और बबलू भैया कौन है? यही है तो चौरसिया, नहीं नहीं, मुलाकात बहुत बार है ये, इन्होंने हमको लगता है जो सिंगिंग वाला रूप इनका है, फर्स्ट टाइम इन्होंने गाना गाया है, मैं उसी को ट्विस्ट थोड़ा सा देना चाह रहा था, तो इसीलिए वो अनिल चौरसिया उर्फ बबलू भैया भी ये कहलाएंगे। यस, तो ये नया नाम इनको भी मिला है, आप सबके माध्यम से सब लोग जानेंगे इनको, ये नाम भी खास, प्रदीप भैया बहुत फेमस है, तो प्रदीप जी का प्रदीप तो नहीं ले सकता, लेकिन भैया जो आपने गाया है वो वाला गाना चाहिए। जब होट से रस टपके, कमर कमानी जैसे लपके, राम जी बनावे में कतही नहीं खोकैले भूल। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अंदर से लागे लुकूल रानी, बाहर से ब्यूटीफुल। देखिए अगला, मुझे पता नहीं, अंदर से लागे लुकूल रानी,
बाहर से ब्यूटीफुल। तो इस तरह से 6 गाने हम लोगों ने रिलीज़ किया। अभी हाल ही में हिले पटना राजधानी भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें सारे जिला और गांव के सिटीज़ के नाम है यूपी और बिहार के, जो बहुत अच्छा व्यूज़ मिल रहे हैं। बाकी मैंने गाना तो गुनगुना दिया, अब बाकी राजकुमार भैया से वो तो पहले सुनाना था। कमर कमानी बाटे रानी लागेलू रसीली, नैन मटक्का करो तारू बाड़ू छल छबीली, गोरे गोरे गाल तोहर बिखरल बलक लक, आवा सट के रानी चुम्मा दे द फटाफट, आवा सट के आवा सट के रानी चुम्मा दे द फटाफट, आवा सट के। सिंगर आप अपने पहचान रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं इनकी आवाज के बारे में? बहुत अच्छा गा रहे थे ये, तो मैं सरप्राइज था। मतलब पहले तो हमने बहुत मस्ती की, लेकिन उसके बाद मैं देखा मेरा एक्सप्रेशन बदल गया था कि इतना अच्छा गा रहे हैं और पूरे फुल पिच के साथ, फुल वॉल्यूम के साथ। मैं चाहूंगी कि राज जी भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो इस मौके पर आप भी दो लाइन कुछ। यस यस यस, बनता है बनता है। मैंने सही कहा, मैं राज जी की डायरेक्शन का तो फैन हुई, लेकिन इनकी सिंगिंग का और राइटिंग का जो बिल्कुल, मैंने आपकी आवाज सुनी और आपने काफी टाइम अच्छा अच्छा गीत हम लोगों से सुनाया था। हम तो भौजी नंबर नहीं, अभी वो चिंटू का हिट हुआ है। इन्हीं से बोलूंगा गा दे, पांडे जी का बेटा वो क्या है वो गाना, अच्छा था, अच्छा अच्छा ही अच्छा गाना। चलो सर अभी एक एक सुना। ऐसे निरेख नमकना रे मेरा बदन अंगूरी, लड़की बोलती है। ऐसे निरेख नमकना रे मेरा बदन अंगूरी, तेरे हाथ नाऊ में चल जाए चाहे छुरी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुंबई फिल्म एकेडमी के प्रांगण में आज MFA मोशन पिक्चर्स का म्यूजिक वीडियो एल्बम रिलीज हो रहा है, और हमारे साथ आज PRO संजय भूषण पटियाला जी हैं। खुशी इस बात की कि पूरा का पूरा जो PRO समाज है, यानी कि पूरा का पूरा जो पब्लिसिटी प्रमोशन का जो पूरा ग्रुप है, इतनी बारिश के बावजूद आज आप लोग आए, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। खुशी इस बात की कि MFA मोशन पिक्चर्स, MFA जैसा कि आप जानते हैं मुंबई फिल्म एकेडमी, MFA मोशन पिक्चर्स के बैनर तले हमारा म्यूजिक वीडियो एल्बम जो रिलीज हुआ, वो पहले गाने का नाम है हिले पटना राजधानी। गाने की खासियत ये है कि इसमें सुभी शर्मा जी हैं, भोजपुरी की टॉप ब्रांड है। पटना राजधानी हिले सरकार गिर जाएगा, ऐसा कोई चिंता बात नहीं है, हमारे पास दूसरी गाड़ी भी है, हम इसलिए 6 म्यूजिक वीडियो बनाए। दूसरी हमारे पास परपोज है, चुम्मा दे दे फटाफट है। देखिए संजय भूषण जी, आज हम आपको बता दें कि हमारे पास टोटल 6 गानों का वीडियो एल्बम है, और एक के बाद एक आप देखेंगे। अभी जो रिलीज हुआ है, मुझे खुशी इस बात की साथ संजय भूषण जी बताते हुए कि एक दिन के अंदर 2 लाख व्यूज हमें मिले हैं हिले पटना राजधानी के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हिले पटना राजधानी है, इसमें सुभी शर्मा जी हैं आर्टिस्ट, और हमारे हीरो हैं मुंबई फिल्म अकेडमी के एक्टर हैं, जिनका नाम है राहुल सिंह। और खुशी इस बात की भी है कि इन गानों को जिन्होंने गाया है उनका नाम है बबलू भैया, जो मुंबई फिल्म अकेडमी में ट्रेंड सिंगर हैं। और उस गाने में आप भी हैं, राहुल उस गाने में आप और। मुझे खुशी की बात है कि हमारे जो एक्टर है राहुल सिंह इस समय शूटिंग कर रहा है, और हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद हमने जो म्यूजिक वीडियो एल्बम शूट किया और बहुत ही पॉपुलर हुआ, और उसको फिल्म मिल रही है। उसके अलावा उसी राहुल सिंह एक्टर को लेकर हम कुछ समय बाद फिल्म अनाउंस कर रहे हैं। ये सारे जितने टाइटल है सब पर फिल्म बनेगा? हाँ, 100% ये जो जितने भी फिल्म के टाइटल हैं इन सभी पे हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें से गाने में हम आपको भी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हमारे कोरियोग्राफर संजय कोरवे की खासियत है कि जिसको डांस करना ना भी आता है उसे भी डांस करा देते हैं। ये जो गाना है हिले पटना राजधानी इतना मनमोहक है, इतना कर्णप्रिय, इतना अच्छा लगता है कि कोई भी आदमी चाहे संजय भूषण पटियाला ही क्यों ना हो वो भी डांस करना शुरू कर देंगे। मतलब आने वाली किसी फिल्म में हम संजय को भी देख सकेंगे? निश्चित रूप से। हाँ संजय, एक्टर बनने की राह पर हो, कौन-सा बहुत देर कुछ भी कर सकते हैं। तो संजय जी को कैसे डांस करवाने वाले? संजय जी एक बहुत ही अच्छे PRO हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और सभी जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जितने भी निर्देशक हैं, निर्माता हैं, सबके PRO हैं। तो जो सबसे प्यारा होता है वो अपने दिल के करीब होता है। सबसे पहले आपको बहुत बधाई होगा, आज 6 एल्बम एक साथ लॉन्च किए हैं, और एक का व्यूअर जो 2 लाख हो गया, और उस गाने में आप नाच रहे हैं इसलिए उसका व्यूअर 2 लाख हो गया। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आप देखते हैं बड़े बड़े फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर
कहीं ना कहीं अपनी झलक अपनी छाप दे जाते हैं। तो हमने भी क्योंकि मजबूरी थी तो ऐसा मौका मिला हमें, तो हमने एक आइटम सॉन्ग के अंदर अपना एक आइटम हमने पेश किया। वैसे तो मेरे सभी गाने पसंदीदा हैं, बहुत बहुत सारे गाने हैं, हर एक में हीरोइन अलग है और हर एक में ये म्यूज़िक डायरेक्टर अलग है और कोरियोग्राफर हमारे बड़े कॉमन है, संजय कोरवे जी, सिंगर हमारे कॉमन है। मुझे पर्सनली ये जो गाना अभी रिलीज़ हुआ है हिले पटना राजधानी, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये जो गाने में जो बोल हैं इसमें वो सारे जगहों का नाम है जो हमारे पसंदीदा जगह हैं जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे एमएफए के, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या करें? मुंबई फिल्म एकेडमी बहुत सिंपल है, mumbaifilmacademy.com, mumbaifilmacademy.net। जो भी मुंबई फिल्म एकेडमी में ज्वाइन करना चाह रहा है, चाहे वो एक्टिंग के लिए है, चाहे सिंगिंग के लिए है, चाहे सिनेमाटोग्राफी के लिए, चाहे फिल्म मेकिंग डायरेक्शन के लिए, बहुत सिंपल है, वेबसाइट पर जाए और वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है, ऑनलाइन यहाँ पर स्टूडेंट बन सकता है। एंड मोस्टली सभी वाकिफ़ हैं और आज 6 म्यूजिक्स का रिलीजिंग हुई है, उनका वीडियो रिलीज़ हुए हैं, तो मैं साथ में बहुत ऊंची आवाज़ में बबलू भैया गा रहे हैं, तो उनको स्पेशली मैं बधाई देना चाहूँगा। और मुंबई फिल्म एकेडमी जिससे एक जो अपकमिंग एक्टर है राहुल सिंह और जो इनके टेक्निकल टीम है उनको सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि अभी बहुत हो गया एंड आवाज़ को वॉल्यूम कम करें तो तभी बात बनेगी मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, आप बता रहे थे जी, हाँ पूछना चाहेंगे। एंड आज सबसे बड़ी बात है कि मुंबई फिल्म एकेडमी में एल्बम का रिलीजिंग हुआ है और सभी आए हैं, प्रदीप भैया और चौरसिया जी वगैरह सभी का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है और वर्ल्ड वाइड ने रिलीज़ किया है। सर आप कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूँगा जी। बदलाव देखो क्या होता है कि जब तक आप एक्टिंग में हैं, क्योंकि मेनली एक्टर को पर्दे पर देखना होता है, तो उसको जो करेक्टर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं ढलता है तो एक्टर नहीं है। तो अभी मेरी एक फिल्म दाखला स्टार्ट हुई है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने बॉडी को डेवलप किया है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहला जो राज था और आज के राज में काफ़ी चेंजेज़ हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आज जो अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस है, तो किसी से छुपी नहीं है। सबसे बड़ा आउटलुक एक एक्टर की अपनी फिजिक्स होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक आज वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी से गाने रिलीज किए गए, म्यूजिक लॉन्च हुआ क्या जी? जी, गाने जो रिलीज़ किए गए हैं, ये एल्बम है, ये बड़ा ही खूबसूरत एल्बम है और इसमें इस आपको बताऊं मैं कि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने जो रिलीज़ किया है और इसके प्रोड्यूसर हैं पांडे जी हैं, एमएफए मुंबई फिल्म एकेडमी के ब्रजेश पांडे जी, और इस फिल्म के जो मतलब ये जो म्यूज़िक एल्बम इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर अनिल चौरसिया जी। बड़ी बेहतरीन ढंग से इसका पिक्चराइजेशन हुआ है, मड आइलैंड में इसकी शूट हुई है और रियली मतलब इस गाने को देखेंगे, इस गाने को पिक्चराइजेशन देखेंगे तो ये नॉर्मल जैसा नहीं है एंड डेफिनेटली यू विल एडमायर इट एंड यू विल अप्रिशिएट इट। तो क्या शुभकामना देंगे? मेरी शुभकामनाएं हमेशा अनिल चौरसिया जी के साथ में, ब्रजेश पांडे जी के साथ में, रत्नाकर जी के साथ में, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के जो स्वामी हैं, और पूरी हमारी भोजपुरी जनता के लिए हमारी शुभकामना है कि ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसे एल्बम्स, ऐसे फिल्म, ऐसी सीरियल्स, ऐसे वेब सीरीज बनती रहें और भोजपुरी दुनिया का नाम हमेशा हम जो है हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के सरजमीन पर रोशन करते रहें। और आप लोगों को भी मैं आप लोग एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक मीडिया के हिसाब से आप कैमरामैन हैं या रिपोर्टर हैं, चाहे जो भी जितने लोग प्यारो लोग हैं, सब लोगों ने हमें इस चीज़ को बहुत ही संजीदा तरीके से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमारी भोजपुरी सिर्फ भोजपुरी एक लिमिट नहीं रह गई, हमारा कोई सीमा नहीं है, हम पूरे विश्व में छा चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि साल के अंत होते होते हम ऐसे हम एक अपने रीजनल लैंग्वेज में वैसी जगह ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जहाँ की कोई आज तक कोई रीजनल लैंग्वेज आज तक नहीं कर पाई। तो हमारी शुभकामनाएं सबके साथ में, थैंक यू दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट ही है कि इसको यूट्यूब पे आप जितने भी डिजिटल चैनल पे हैं इसको क्लिक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ये गाना को सुने और इसकी तारीफ करें और फिल्म बनती रही इसकी शुभकामना दें। थैंक यू वेरी मच।
नाम के साथ वीडियो एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आई हूं। बहुत भारी बारिश में भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैंने कहा बबलू जी ने गाना गाया है, बहुत ही दिल से गाया है और 6 गाना रिलीज़ किया है उन्होंने, उनको और प्रदीप जी को और वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक रिलीज़ किए हैं उनको, सभी को तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। और इसी तरह इनके व्यूवर्स और बढ़ते चले जाए और नए नए गाने बनाते रहे ताकि सभी लोगों को काम करने का मौका मिले और दिन ब दिन खूब सारी तरक्की करते जाए। इसमें नई नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए इनका अपना एक्टिंग क्लासेस है और क्लासेस के साथ साथ ही फिल्म निर्माण, वीडियो एल्बम निर्माण कर रहे ताकि इनके स्टूडेंट्स को मौका मिले और अपना कला प्रदर्शन करना और सारी चीज़ें हो, कहना चाहेंगे? इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि नई प्रतिभाओं को ये लोग मौका देते हैं। कभी हम भी नए थे लेकिन आज बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, इसीलिए हम लोग भी आते हैं और लोगों से बोलते हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बताते हैं कि कभी भी अगर आपको टैलेंट अपना यूज़ करना है तो एक ज़रिया तो होना चाहिए। तो वो उनके लिए एक ज़रिया इन्होंने जो बनाया है मुंबई एक्टिंग एकेडमी, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से नई नई प्रतिभाओं को ये लोग जो मौका दे रहे हैं वो रियली अप्रिशिएशन है। और इस तरह के नए नए गाने बना करके और आज 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूवर्स इसके हो गए हैं, तो रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी इंस्टा बनना चाहेंगे इनके अगले म्यूजिक वीडियो में या इनके इंस्टीट्यूट के? बिल्कुल बनना चाहूँगी और बबलू जी ने बोल ही दिया है कि आपको अगला गाना करना है तो मैं रेडी हूँ जी। बबलू जी, मैं तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और ये भी चाहूँगा कि और अच्छा से अच्छा करें आगे चल के। 2-3 महीने बाद फिल्म भी बना रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। जिसे उनका नाम है अनिल चौरसिया जी और पप्पू भैया आप हैं, प्रदीप भैया आप हैं और वो जाके अभी जो एक नया नाम ले लिए हैं तो ये बबलू भैया आपने दिया या उन्होंने? नहीं नहीं, उन्होंने अपना नया नाम रख लिया, बबलू भैया। पहले तो मैं खुद भी शॉक्ड हो गई थी कि ये अनिल जी बुला रहे और यहाँ पर सब बबलू भैया कर रहे, तो मैंने कहा है कौन ये सिंगर तो जब वो सामने आया मैंने कहा अच्छा आप ही हो, नाम चेंज कर लिया है लेकिन अच्छा है। इससे क्या होता है, ये नाम चेंज करने से दर्शक और जो श्रोता है गण है वो बहुत आसानी से रिलेट कर पाते हैं, अपने आसपास का इर्द गिर्द महसूस करते हैं कि हमारे आसपास के हैं और प्यार बहुत मिलता है इनको। ना देना चाहेंगे पूरी टीम को और खास करके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं सिंगर हैं जी? मैं सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बाहर बहुत बारिश हो रही है फिर भी हम यहाँ पर आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए बबलू जी को। और मुझे अच्छा लगा उनका गाना, उन्होंने गाना जो गाया उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी उनके साथ काम करना चाहूँगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी, उनके व्यूवर्स बहुत बढ़ते जाएँ, यही शुभकामनाएं मेरी।